क्योंकि मैंने कभी रुचि नहीं लेकिन फ्लावर्स वगैरह कभी लाए नहीं। आई गॉट दीज ब्यूटिफुल रोजेस फॉर रुचि। तुम्हारा पेट खराब हो गया। फॉर्मैलिटी का बताना चाहिए ना, कब फॉर्मैलिटी चाहिए, कब आई हैव टू बी नॉर्मल, ये चीज तो बनाऊंगा। And I just brought these beautiful flower for Ruchi. और देखो उसने कितने अच्छे से रखा है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं फ्लावर्स। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तीन दिन हो गए इनको, अभी तक बिल्कुल वैसे के वैसे हैं गुलाब। Actually guys, Valentine's week चल रहा है and very next day Ruchi told me कि you didn't get roses for me. Then I was like, अरे अच्छा ये चल रहा है, because I really do not believe in you know celebrating such festivals and all. But मुझे next day realized that I क्योंकि मैंने कभी रुचि नहीं लेकिन फ्लावर्स वगैरह कभी लाए नहीं। एक बार लाया था जब आई मेट हर इन चंडीगढ़, तब मैंने बुके उसको दिया था। तो आज हमारे ब्रेकफास्ट में पार्शियलिटी हो गई। रुचि मज़े से कॉफ़ी और ये पराठा खा रही है, दैट टू पनीर का पराठा, और मेरे लिए बनाया है ये सेवैयाँ और ये जूस। बट दैट इज़ ऑल्सो हेल्दी, हाँ, दैट इज़ मेड ऑफ सूजी नॉट मैदा। हाँ यार, कल मेरा पेट खराब हो गया था एक्चुअली, मुझे थोड़ा ब्लोटिंग सा फील हो रहा था, इनडाइजेशन की वजह से मुझे गैस भी हो रही थी और मुझे प्यूकिश ही फील हुआ। बट कल मैंने एक शॉर्ट देखा था, वो शॉर्ट वीडियो शुभा का। अगर आपको कभी ऐसा फील हो रहा है इनडाइजेशन की वजह से गैस आपको हो रही है, तो आप जरूर उस टाइम पे इलायची खाओ, इलायची से आप फिट एंड फाइन हो जाएंगे। और मैंने फॉलो किया और मैं आई एम फीलिंग बेटर टुडे। बट क्या करें, थोड़ा सा परहेज करना ही पड़ेगा आज। रुचि मजे हैं तुम्हारे, खाओ अपना पराठा, एंजॉय। रुचि तुमने ग्लास में फूल क्यों रखा है वाला? कौन सा, रोज? हाँ, मुश्किल से तो शादी के बाद एक फूल मिला। तुमने तो बोला था मैं फूल पसंद नहीं है। मैंने इस करके बोला था क्योंकि मतलब फूल मुरझा जाते, हाँ तो मुरझा जाते। मैं नहीं चाहता था कि उसको तुम तोड़ो फिर उसको रखो फिर मुरझा जाए, तुम्हें भी अच्छा ना लगे मुझे भी अच्छा ना लगे, फिर दो चार दिन उसको फेंको। फॉर्मैलिटी का बताना चाहिए ना, कब फॉर्मैलिटी चाहिए, कब आई हैव टू बी नॉर्मल, ये चीज है दैट यू नीड टू लेट मी नो। मतलब दूसरी बार दिया तुमने मुझे फूल। हाँ तो पहले पहली बार तुमने मुझे दिया था तो हम फर्स्ट टाइम मिले थे। हाँ, वो मेरा एक एटिकेट्स होते हैं, जब भी किसी को मिलता हूँ तो मैं एक फ्लावर से उसको ग्रीट करता हूँ। तुम इतना बड़ा बुके ले आए थे तो मैं तो तुमसे बस में मिलने आई थी क्योंकि गाड़ी मेरे पास थी। दिस फोटो इज फ्रॉम आवर फर्स्ट ट्रिप आफ्टर वी गॉट मैरिड, सो ये फोटो बहुत लोगों को पसंद आता है और मुझे भी। दिस फ्रॉम टिहरी लेक, जहाँ जहाँ हम कवर करते रहे हमने वहाँ वहाँ की फोटोज लगाई। मम्मा लोगों के साथ गए थे हम लोग आगरा ताजमहल देखने, ये तो शादी की है। देन दिस इज जयपुर, लॉन्ग वीकेंड पे गए थे। देन दिस इज आनी एंड मिस्टर सेमवाल व्हेन ही वाज कमिंग टू टेक मी। सीख रहे हो? हट जा, मेरी गिटार क्लासेस चल रही हैं। मैं गाना गाते सबसे पहले मेरा जो गाना होगा ना शिव जी के लिए बजाना। शिव जी के लिए बजाऊंगा, ठीक है। आपको काफी सारे ब्लॉग्स में मेरे गिटार की परफॉर्मेंस मिलेंगी, तो थोड़ा सा टाइम दो मुझे सीखने का, टाइम दो। गाइस आप ये देखना, ऑल ऑफ अस आर डेड, कोरियन ड्रामा है और हिंदी में हिंदी डब्ड है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है इसको देख के। बेस्ट पार्ट था इतना जीजा है दरवाजे खोल रहा है, मजा आ रहा है। आज रुचि गाड़ी चला रही है, पहली बार मैंने इसको गाड़ी दिया चलाने का, तो रुचि बिल्कुल परफेक्टली चला रही है। गुड गुड रुचि, मुझे पापा ने अच्छा ट्रेन किया। हाँ, तुम्हारे पापा ने पापा ले जाते थे, पापा मुझे लेके जाते थे कि चल भाई कंसंट्रेट आराम से चलो, बस ऐसे चलते रहो। प्लस वेरी नाइस, तुम्हें भी 100 मार्क्स मिलते हैं आगे। गाड़ी तो बड़ा अच्छा चला रही है गाड़ी, तो मैं तो काफी कॉन्फिडेंट लड़की है अपनी, तो मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, एक बार बताया मैंने इसको, बस खुद से चलाने लग गए।
देखियो क्या मस्त सोया हुआ है डॉगी। सक्सेसफुल ड्राइविंग बाय रुचि, मैंने आखिरकार पहुंचा दिया। रुचि अभी जा रही है अपने फेवरेट शॉप पे, यहाँ पे कोरियन जापानीज सामान मिलता है, डिस्काउंट है अप टू 50%। तुम्हें पसंद बच्चों का सेक्शन छोड़ो भैया, अभी नहीं तो अच्छा ही लग रही है यहाँ पे। हाथ में कुछ सामान ही नहीं है यहाँ पे, हम कितने बार आ गए शॉप पे। एक्चुअली जो सामान आता है वो कोरिया से जापान से आता है इनका, तो कोविड की वजह से जो कंटेनर जो शिपमेंट जो होती है वो अभी होल्ड पे ही है। तो देखने तो आए थे बेड स्प्रेडर मिल रहा है बच्चों के सेक्शन में। मैंने खा लिया, अब मैं खाऊंगा जलेबी। गर्मा गर्म जलेबी जो मैं वो खाने वाला, वाओ। It's a wrap now. आपने लास्ट व्लॉग तो देखा ही होगा, लास्ट व्लॉग उसमें जिस विक्की दादा ने कहा था हमारे जो है सब सही है, तो जो है सब सही है गाइस, बाय बाय। ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलने दो। इसीलिए हमारे चैनल को भी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।